नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे दद्दू कब से आवाज दे रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे दद्दू तो हमेशा ही बुलाते रहते हैं, तुम पास आओ। अरे हीरा बेटा, छोड़ो भी और जाके देख क्या, नहीं तो पता चले कि दद्दू ढूंढते ढूंढते यहीं पहुंच जाए। दद्दू की तो आदत है तंग करने की। हाँ अरे हीरा, आ रहा हूं दद्दू। जी दद्दू, आपने बुलाया? बेटा मैं जमीन खरीदने के सिलसिले में 15-20 दिन के लिए गांव जा रहा हूं। तुम वो अपना बिजनेस है इधर सुन, डेयरी और दूध बेचने का काम ठीक से कर लेना। दद्दू मैं दूध बेचने का बिजनेस नहीं कर सकता, वो आप शाम को कह दो। मुझे कुछ नहीं सुनना, कल सुबह तैयार हो जाना, मैं सब ग्राहकों से मिलवा दूंगा, ठीक है? अब जाऊं? हाँ लेकिन सुबह समय पर उठ जाना। जाओ। क्या हो गया आजकल के लोगों को हैं? ये बच्चे सुनते ही नहीं है। अरे मैं क्या है क्या रहा हूं, दिन भर मोबाइल खेलेंगे, मोबाइल में बिजी रहेंगे लेकिन लायक बनने की कोशिश नहीं करेंगे। नालायक कहीं के। मतलब पढ़ लिख कर अब मैं अनपढ़ गवारों वाले काम करूं? हाँ तो पढ़े लिखो वाला कोई काम या नौकरी भी तो नहीं कर रहे, और पूछते नहीं बिजनेस है, करने में बुराई क्या है? मतलब कोई जॉब नहीं मिल रही है तो मैं कुछ भी कर लूं? हाँ तुम बिल्कुल दद्दू की तरह बोलने लगी हो। अरे तो 15-20 दिनों की ही तो बात है, और अगर दद्दू यहाँ नहीं रहेंगे तो हम भी तो खुल के प्यार कर पाएंगे ना? हाँ? बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा अभी जल्दी से सो जाओ, कल दद्दू के साथ उनके नए कस्टमरों से मिलने भी तो जाना है। एक काम करते हैं ना, आज रात हम सोते ही नहीं है ना? आज रात हम सोते ही नहीं है, सही। राम राम जी। कैसा बिटिया? राम राम दद्दू जी। बिटिया जी, हम जो है 15-20 दिनों के लिए एक बहुत ही जरूरी काम से गांव जा रहे हैं, है ना? और वो मेरा लड़का है, कल से वो आपको दूध देने आया करेगा, ठीक है? ठीक है दद्दू। अच्छा अब मैं चलता हूँ, राम राम। राम राम दद्दू। अरे चाय तो पीते जाइए दद्दू जी। नहीं नहीं आज नहीं, आज अभी कई ग्राहकों से उन्हें मिलवाना है, फिर कभी पिएंगे। अच्छा बिटिया राम राम। राम राम। बेटा हमेशा ही फोन में टंटनाते रहते हो, तुमसे इतना भी नहीं होता, तुमसे किसी से परिचय करवाया जा रहा था तो शिष्टाचार बस कम से कम नमस्ते ही कर लेते हैं। काम कर रहा था थोड़ा। हाँ बहुत काम करते हो पता है हमें। चलो अब ये सबके नाम पते और कांटेक्ट नंबर की लिस्ट है,
इनको ध्यान से रखना, इधर उधर मत करना जी। ये सारे नंबर वीआईपी नंबर हैं, इन सबसे तमीज से पेश आना, एक भी ग्राहक इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक जी। अरे वो जिज्ञासा बिटिया के यहाँ मैं पनीर ले जाना तो भूल ही गया था, तुम याद से कल आधा किलो पनीर लेते हुए जाना वहां, ठीक है? और वो अगर पूछे तो कह देना सॉरी भूल गए जी, ठीक है। हाँ ये लो रखो। चलिए बाबू जी आपको स्टेशन छोड़ देते हैं। चलो चलिए, बस बस बिटिया बस बस, अपना ख्याल रखना और खिड़की दरवाजे बंद करके रखना। हाँ चलो। हाय नंदा बेबी, क्या चेट? अरे ध्यान से, क्या है इसमें? तुम जब तक खोल के देखो, मैं नहा के आता हूँ। हाँ लगता है बहुत बड़ा सरप्राइज है। हाय आज तो जलवे ही अलग है, कसम से आग ही लग जाएगी। तो आग लगाने के लिए ही तो लेके आए हो ना? मैं ना तुम्हारे लिए पैक बना रही हूँ। भाई बीवी हो तो ऐसी, और हस्बैंड हो तो तुम्हारे जैसा। बिना चस्के ऐसे थोड़ी ना होता है। एक बात कहूं, आज सच में परी लग रही हो तो। इस बार पैक मैं बनाऊंगा। ये तुम हिल हिल के क्यों पी रहे हो? अच्छे से पियो, हिलो मत। अरे मैं कहाँ हिल रहा हूँ, तुम हिल रही हो। नहीं तुम हिल रहे हो। मजा आ रहा है ना? हस्बैंड हो तो तुम्हारे जैसा। और बीवी हो तो तुम्हारे जैसे। बहुत नॉटी हो तुम तो, बहुत ही नॉटी लग रही हो आज। ये लो पनीर का डिब्बा, और याद से कस्टमर को दे देना, और दादू ने जैसे समझाया था ना वैसा ही करना, इधर का उधर मत कर देना। तो तुम ही प्लीज समझा दो ना कैसे करना है। मैं क्या समझा दूं? तुम्हारे मोबाइल में लिस्ट की फोटो है, उससे समझ लेना। और हाँ अभी जल्दी जाओ, नहीं तो दादू जी को ना सबके कॉल आना शुरू हो जाएंगे। हे भगवान, मुझे दूध बांटने की शक्ति देना। हाँ बेटा, दद्दू ने दूध देना बंद कर दिया है क्या? सर हम हैं सन ऑफ दद्दू हीरा, दद्दू गांव गए हुए थोड़े दिन के लिए, तो आज से दूध हम ही दिया करेंगे। वो पानी वानी मिलाना चालू मत कर देना। कैसा दूध ले लेना। हाँ आती हूँ। चलो बेटा।
ये दद्दू आपके लिए पनीर लाना भूल गए थे, सॉरी बोलने के लिए भी बोले हैं। कोई बात नहीं। दूध हो गया। नमस्ते। नमस्ते पहले कहना भूल गए थे ना, इसलिए। नमस्ते। नंदा को फोन कर लेता हूँ, मार्केट से कुछ लाना हो तो। अरे ये वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे ऑन रह गई? अरे ये तो वही मैडम जी हैं। ओह माय गॉड। भाई मिस्टेक ही सही, क्या आइटम हाथ लगा है यार। हाँ ये फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे उठाओ। क्या हो रहा है? आज कितने बजे तक जागने का प्रोग्राम है? नंदा तुम सो जाओ, मेरा मूड आज ठीक नहीं है। अरे तो हम किस लिए हैं? सात फेरे इसलिए तो लिए कि तुम्हारा मूड ठीक कर सके। पर नंदा थोड़ी दूर हो जाओ यार। दद्दू थे तो रोज प्यार आता था तुमको हम पर, और आज जब दद्दू नहीं है और हम खुल के प्यार कर सकते हैं तो तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। क्या बोले थे हमको कि बहुत एंजॉय करेंगे, ये एंजॉय कर रहे हैं। तरपालो हमको, देखना तुमको बहुत पाप पड़ेगा। अरे एक बार बोला ना मेरा मूड ठीक नहीं है, और दद्दू कल ही थोड़ी ना आ रहे हैं। मैडम जी, आपने तो हमारी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। अब कब सुबह होगी और कब फिर आपके दर्शन होंगे? भाभी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
अरे हमने सोचा आपको बाहर तकलीफ ना दी जाए, इसलिए हम अपने आप लेकर अंदर आ गए। हम सही किए ना? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं पत्र ना लिख लेती। बहुत ताजा ताजा लेकर आए हैं। अरे थोड़ा दूर डिब्बे में चिपके रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो दद्दू जी से भी बारीक निकले। अरे भाभी जी आप भी तो एक एक बूंद का पैसा देती हैं। अरे वो पैसों से याद आया कि दूध का पैसा दद्दू जी को दू या आपको दे दू? अरे नहीं हमें मत दीजिए, हमसे खर्च हो जाता है, आप दद्दू को ही दे दीजिए। ओके चलेगा, बाय भाभी जी। बाय। हे तुलसी मैया, हमसे अगर कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए, पर हमारे ये जो हमसे दूर दूर रहने का प्रोग्राम बना लिए ना, उसे ठीक कर दीजिए। वो क्या है ना कि हमारे दिमाग में वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है और उसके कारण हमें नींद भी नहीं आती, और अगर हम सोएंगे नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और अगर हम बीमार पड़ गए तो घर का सारा काम लटक जाएगा, और अगर कामकाज लटक गया ना तो घर में पनौती आ जाएगी, और अगर पनौती आ गई तो आपका काम का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप ना अभी से चेत जाइए, और हाँ हम आपको समझा दे रहे हैं कि आप ना ये सब ठीक ठाक कर दीजिए, प्लीज़ मैया सब ठीक कर दीजिए ना। अरे अजय भाई कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जा रहे हैं अकेले अकेले? भाभी जी के घर हम आपको छोड़ देते हैं। अरे रहने दीजिए हीरा भाई, पास में ही पैदल चल के चला जाऊंगा। अरे हमारे रहते हुए आप पास में पैदल चले जाएंगे? हाँ अरे भाभी जी का काम करके अकेले ही पुण्य कमाते रहेंगे, हमें भी कमाने दीजिए। हाँ अच्छा एक बात बताइए अजय भाई, भाभी जी इतनी अमीर है लेकिन कोई भाई भाई दिखती नहीं है, क्या घर का सारा काम खुद ही करती है, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन ये वो? मैम साहब काहे काम करेंगे, भाई है ना, अब वो आपके जैसे सुबह सुबह थोड़ी ना आ जाएगी, आती है 12 बजे, 2 घंटे में 24 घंटे का काम करके चली जाती है छमछमाते हुए। वही मैं सोचूं कि बैठिए भाभी जी के घर चलते हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। मानोगे नहीं है? अरे बैठिए ना। चल रेडी? हाँ। अरे वाह स्टाइल चेंज, बहुत खूबसूरत लग रही है आज। हाँ तो अब लिपस्टिक बिगाड़ मत देना, मैं तो जाना गन से करता हूँ। अच्छा कर ले, मैं कुछ और काम कर लूंगा। अब क्या काम कर रही हो? Thank you.
कितने बिजी रहते हो, क्या देखते रहते हो मोबाइल में? आजकल दो टाइम का खाना भी ठीक से नहीं खाते हो। कुछ तो बोलो, हमसे कुछ भूल हुई हो तो हमें बताओ ना। जब से दादू गए ना, तब से तुमने हमसे बहुत दूरियां बना ली। तुम फिर शुरू हो गई? हाँ, जाओ हमारे लिए खाना लेकर आओ जल्दी से, हमें फिर बाहर जाना है। जाओ। वक्त मिले तो कॉल करते रहना, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अरे कहाँ रह गए, जल्दी आओ, दूध बांटने के लिए लेट हो रहा है। सुबह सुबह सज सवर के किसके शादी में चल दिए? सज सवर कर लोग बारात में जाते होंगे, हम जा रहे हैं सज सवर कर दूध बांटने के लिए। कोई आपत्ति? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तुम ना सर पर मुकुट रख के भी जाओ, तब भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। पर ध्यान रखना कि दद्दू जी के ना एक भी कस्टमर टूटने नहीं चाहिए। अरे सब छोड़ो, ये बताओ कि इंप्रेशन जम रहा है या नहीं? तुम्हें किसको इंप्रेस करना है? जलन हो रही है ना? वैसे वक्त आने पर वो भी बता देंगे कि किसको इंप्रेस करना है। कैसे हो अजय भाई? बस क्लास। आप बताइए हीरा भैया कैसे हैं? हम क्या, हम तो एकदम चकाचक। ये तो दिख रहा है। गुड मॉर्निंग हीरा अंकल। गुड मॉर्निंग राया बेबी। बाय बाय। बाय। चलो बेटा। बाय बाय। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग। वॉच देख लीजिए, आप बिल्कुल ऑन टाइम है। अरे वाह, आज तो आप बड़ा सज धज के आए हैं, क्या बात है भाभी जी। आप जैसे वीआईपी लोगों के यहाँ फटे हाल आना अच्छा नहीं लगता ना। भाई साहब दिखाई नहीं दे रहे? वो आज सुबह ही एक हफ्ते के लिए दिल्ली गए। भाभी जी, आज से सिर्फ हम आपके लिए दूध लेकर आया करेंगे। आप हमारे लिए वेरी स्पेशल है। दूध? हाँ हाँ। Thank you.
ठीक है, हो गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। दद्दू जी तो हमेशा चाय पी के जाते थे, आज वो नहीं है तो आप उनके बदले की आप ही पी लीजिए। आप बैठिए, मैं आती हूँ। थैंक यू भाभी जी, आज आपके हाथ की चाय पीने को मिल रही है। अरे साहब दिल्ली गए हैं ना, आपको कोई भी काम हो तो बेझिझक बोलिएगा। दद्दू कह के गए आपका खास ख्याल रखने के। आपके दद्दू जी की तो बात ही अलग है, वो हमें हमेशा जिज्ञासा बिटिया कहकर बुलाते थे। जी अच्छा, हम चलते हैं। बाय भाभी जी। बाय। दो बज गए, कामली बाई का टाइम हो गया जाने का, पता नहीं गई कि नहीं गई। निकली कि नहीं निकली छमिया। छाया, ओ छाया, चली गई क्या? अजीब औरत है, बिना बताए चली गई सुने घर को खाली छोड़ के। कोई चोर उचक्का घुसाया तो क्या होगा? दिमाग खराब है इस औरत का। सारे वीडियो को एक साथ मिलाकर फोल्डर बना देता हूँ और पासवर्ड डाल देता हूँ।
कहीं नंदा ने देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। Cheers. कभी भी पैसों के लिए मना नहीं किया हमारे मालिक और मालकिन ने। बहुत ही ग्रेट इंसान है। हाँ वो तो है। ये बात दद्दू को वर्षों से पता है। अच्छा जय एक बात बताओ, मालकिन इतने बड़े घर में अकेले रहती है, मालिक जब चले जाते हैं तो क्या उनको इतने बड़े घर में डर नहीं लगता? अरे हमको सोना पड़ता है घर के बाहर पोर्च में। अब दारू पी के हमको उनके सामने जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज नहीं जाएंगे। तो वो पूछेंगे नहीं कि तुम आए क्यों नहीं? झूठ बोल देंगे, दाल में नमक जितना रोज बोलते हैं। और लोगे? अरे नहीं भाई, बहुत ज्यादा हो गया। अब ज्यादा पिएंगे ना तो उल्टी हो जाएगी। अच्छा हीरा भाई, पार्टी देने के लिए धन्यवाद। अरे कैसी बात करते हो अजय भाई, तो बड़े की तरफ से छोटे का सम्मान था। अरे अजय भाई हम साथ में चलते हैं। चलो थोड़ा संभल के चलो। अजय, 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 लगता बिना खाना खाए सो गया। रह गए ये। तुम यहाँ मेरे बेडरूम में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? भाभी जी हम आपसे एक चीज बताना चाहते हैं, हम आपसे बहुत लव करते हैं।
और बस एक बार हमें जी भर के प्यार कर लेने दीजिए। खबर से क्या होगा, हम तो आपके लिए गोली भी खा सकते हैं। हम आपको एक बात बताएं, आप हमें जान से भी मार देंगे ना, हम चूर तक नहीं करेंगे। बस एक बार हमें प्यार कर लेने दीजिए, सिर्फ एक बार। गेट आउट, गेट आउट, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, इडियट। चिराग फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? दद्दू को फोन लगाती हूँ। आपका बेटा इसलिए उसके ऊपर भरोसा किया, लेकिन आपके बेटे ने उस भरोसे का गला घोट दिया। जिज्ञासा बिटिया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम जिंदगी भर दूध बेचकर दूध जैसा पवित्र और धवल जीवन जीते रहे, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारे अपने ही घर में काजल से भी काला कलंक पाल रखा है मैंने। जिज्ञासा बिटिया, मैं इसी वक्त वापस आ रहा हूँ। वो दोबारा इस तरफ दिखना नहीं चाहिए, अगर वो दिखा तो इस बार मैंने आपका लिहाज कर लिया, दोबारा नहीं करूंगी। सपना पूरा हो गया तो उठ जाओ और ये दूध लेके जाओ। अरे इतनी लेट हो गया तो जगाया क्यों नहीं? इसलिए नहीं जगाया क्योंकि सपने में परियों के साथ स्वर्ग का सुख लूट रहे थे तुम। गेट आउट, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। हाँ किए गए नंबर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कृपया कुछ समय बाद डायल करें। पता नहीं अजय का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। डायल किए गए नंबर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कृपया कुछ समय। चलो बेटा मैं तुमको छोड़ के आती हूँ। भाभी जी, तू तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा फोन करने की? अरे बहुत जरूरी था, अगर फोन नहीं करते तो आपको पता कैसे चलता हीरा हमारे कब्जे में है। क्या क्या बोल रहा है? अरे अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, आपको लोकेशन भेजिए, आ जाइए और हमें जी भर के प्यार कर लेने दीजिए, नहीं तो मजबूरी में हमें आपकी बेटी राहिया के साथ वो सब करना पड़ेगा जो हम आपके साथ करना चाहते हैं। क्या है ना भाभी जी, अब हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नीच, मेरी बेटी को हाथ भी मत लगाना, आती हूँ मैं। अरे दद्दू, आप इतनी जल्दी? अरे क्या बताऊं बहू, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मेरे बरसों की तपस्या एक पल में खत्म हो गई। ये हीरा कहाँ है? वो तो सुबह सुबह बाइक लेके कहीं गए, दूध देने के लिए भी लेट हो रहा है। लेकिन दद्दू जी हुआ क्या है? ए, हुआ क्या है, मेरे मुख पर कालिक पोत दिया इस हीरे ने।
भाभी जी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? ये तो अच्छा नहीं कर रहा है। जानते हैं हम अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन क्या करें, दिल की नहीं सुनेगा तो पाप लगेगा। छोड़ दे मेरी बेटी को। भाभी जी, अगर आप हमें प्यार नहीं करने देंगी तो हमें मजबूरी में रिया के साथ करना पड़ेगा, इसलिए प्लीज ऐसा मत करो। तुम एक अच्छे बाप के बेटे हो, कम से कम उनकी मान मर्यादा का तो ख्याल रखो। अरे जानते हैं भाभी जी, लेकिन क्या करें, इस समय हम सिर्फ अपने दिल की सुन रहे हैं। रुक जा, कर ले जो करना है। भाभी जी, अगर आप हमें ये सब अपने बेडरूम में करने देती तो सब तो नाटक ही नहीं होता ना। बदतमीज, यही दिन देखने के लिए मैं तुझे इतनी छूट दी थी, तुझे इतनी आजादी इसलिए दी थी ताकि तू एजुकेट होकर मेरा नाम रोशन करेगा। तो तुझे छोड़िए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुको। मेरी बरसों की मेहनत से कमाई हुई इज्जत को तूने एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जान से मार दूंगा। तो छोड़िए इसे, छोड़िए इसे, अब इसका हिसाब कानून करेगा। लेके चलो इसे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब ले जाओ इसे, इससे पहले कि मेरा खून खौल जाए इसे ऐसी सजा दो ताकि कोई भी आदमी गलत कदम उठाने से पहले हजार बार सोचे। ले जाओ इसे। जिज्ञासा बेटिया, हो सके तो मुझे माफ कर दे। Yeah.